हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है जाके देखिए अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगी और चीजें समझ में आएगी किस तरीके से आप चीजों को प्ले कर सकते हैं एज वेल एज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड चार से पांच स्टॉक्स जहाँ पर कल गिरावट होगी और कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगता हुआ नजर आएगा तो आके आपके पास वो शेयर है तो थोड़ा सा पिक और यहाँ पर आपका कॉशियस होना है और यहाँ पर समझ उसी तरीके से आपको यहाँ पर बिहेव भी करना याद रखिएगा अदरवाइज यहाँ पर लॉस होता हुआ नजर आएगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हो स्टॉक से बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि तौर आपको इस तरीके की वीडियो मिले दूसरी वीडियो को जाके देखिए सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे एज वेल एज ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और स्टॉक को किस तरीके से पिक करना है वो हमारे से जानकारी ले सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं

क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो लोअर सर्किट लगेगा तो लगेगा तो यहाँ पर आके बात करते हैं अगर नहीं लगता तो एग्जिट करने का टाइम होगा तो समझ लीजिएगा तो हम सबसे पहले जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर टोटल इनकम देख लीजिए कंप्लीट छोटी सी कंपनी है ओके और यहाँ पर देखेंगे टोटल इनकम तो टोटल इनकम यहाँ देखिए अः फिफ्टी सॉरी फिफ्टी नाइन मतलब ईयरली बेसिस पर जम पे क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट यहाँ नजर आती है एक्सपेंस देखिए कंपनी मतलब आमदनी द नहीं खर्चा रुपया वो वाला हिसाब है मतलब डबल यहाँ पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंसिस ही कम नहीं हो रहे और कंपनी के अगर एक्सपेंसिस कम नहीं हो रहे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कंपनी कभी प्रॉफिट में आएगी नहीं तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट uh, की तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट क्या नेट लॉस ही है तो यहां पर अगर आप देखेंगे नेट टोटल इनकम फॉर द पीरियड तो यहाँ पर देखिए पर यहां पर पर घाटे में कंपनी दिखाई दे रही है ईपीएस भी देखेंगे तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे देखिए इनका ईपीएस भी कम होता हुआ नजर आ रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो यहाँ पर इस तरीके के अः यहाँ पर चीजें दिखा रही है तो वैसी कंपनी में आपका पैसा फंसा रह सकता है क्योंकि काफी लोग होते हैं कि छोटा स्टॉक चाहिए छोटा स्टॉक चाहिए क्योंकि काफी लोग मेरे पास कॉल्स भी आते हैं ओके कुछ मेरे यहाँ पर क्लाइंट भी है हमेशा कहते हैं छोटे स्टॉक्स चाहिए छोटे स्टॉक्स चाहिए तो उन्हें छोटे स्टॉक्स काफी पसंद होते हैं क्यों पसंद होते हैं मुझे नहीं पता ताकि मैं उन्हें हजार बार समझा चुका हूँ कि प्रॉफिट का रेशो उतना ही निकलना है बस ये है कि इसमें ऑपरेटर थोड़ा गेम प्ले करते रहते हैं तो चीजें यहाँ पर आ, आ, यहाँ पर चीजें थोड़ा सा और ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं बट आपको सेफ रिटर्न चाहिए पैसे को बचाना सीखे ना कि पैसों के पीछे भागना इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम बताता हूँ तो यहाँ पर थम्बी मॉडर्न स्पिन मिल्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितनी भी यह... इससे इससे आपको लगेगा, इससे आपको लगेगा कि जितनी भी इस तरीके अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया शेयर ऊपर जाता भागता हुआ दिखाई दिया लोग समझ रहे थे अच्छे खास रिजल्ट आएंगे कल यहाँ पर आते ही साथ सुबह यहाँ पर लोअर सर्किट लगेगा और ये लोअर सर्किट आपको अच्छा खासा लगता हुआ नजर आएगा आठ तक ओके लगभग आठ रुपए तक ये लोअर सर्किट लगेगा और ये आ, ऐसी कंपनी में जहाँ पर फ्यूचर नाउ ऐसी कंपनी में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करें दूसरी कंपनी की हम बात करते हैं जीएनएल्स जीएनए एक्सेल्स की अगर हम बात करें ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि आपको क्या करने की जरूरत है इसके सपोर्ट लेवल क्या है यहाँ पर इस वीडियो को देख लीजिए बट इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए इस वजह से आज ये शेयर लगभग ग्यारह गिर चुका है और आज इसने दिखा दिया है एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो गई है बट कौन से लेवल है उसके लिए आप यहाँ पर वीडियो देख लीजिए यहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी उस वीडियो में आपको यहाँ पर ही पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी इसके अलावा दूसरी कंपनी देख लेते हैं दूसरी कंपनी देखिए टोटल इनकम टोटल इनकम यहाँ देखेंगे क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे इनकम घटती हुई नजर आ रही है एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस यहाँ पर देखिए कंपनी के उसी हिसाब से होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी बासठ के घाटे में है

तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में देखेंगे देखिए अपर सर्किट लोअर सर्किट में पूरा खेल चलता रहता है ओके अपर सर्किट में किस तरीके से शेयर को यहाँ पर बगाया काफी लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आज नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पर ज्यादा कुछ हो पाया शेयर को थोड़ा ऊपर बगाया थोड़ा नीचे बगाया और जहाँ पर कल क्लोज हुआ था वहीं पर ही क्लोज करके यहाँ पर आज बंद कर दिया है तो अगर हम यहाँ पर बात करें कल की डेट में लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा और ये लोअर सर्किट आपके पैसों को यहाँ पर बर्बाद कर देगा क्योंकि छोटे स्टॉक्स है आप ऑपरेटर खेलते रहते हैं ऑपरेटर नीचे ले जाते हैं फिर ऊपर भगा देते हैं फिर नीचे ले आते हैं फिर ऊपर भगा देते हैं ना आप एंट्री ले पाते हैं ना एग्जिट कर पाते हैं ओके और एंट्री मिलती है तो ऊपर लेवल पर मिलती है एग्जिट मिलता है तो नीचे लेवल पर मिलता है और आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं तो ऐसी कंपनी से आपको क्या रहना है दूर रहना है अच्छे शेयर को चुनना है और अच्छे शेयर को चुनने के लिए डेली वीडियोज आती है प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए डेली वीडियो को सीखिए सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसे हमेशा बड़े स्टॉक्स में बनेंगे छोटे स्टॉक्स में नहीं बनेंगे इसके अलावा ये पर्टिकुलर कंपनी है इसके पर्टिकुलर कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए इसके नंबर अच्छे आए टोटल रिवेन्यू देखिए यहां पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आए बट कंपनी तभी यहाँ पर प्रॉफिट दिखा पाएगी जब कंपनी के एक्सपेंसेस कम होंगे कंपनी का एक्सपेंसेस देखिए मटेरियल यहाँ पर ज़्यादा महंगा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है चीज़ें महंगी आ रही है तो यहाँ पर एक्सपेंसिस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो टोटल एक्सपेंसिस ईयरली क्वार्टरली बेसिस बात करें तो वो भी ज़्यादा है और इसी का इफेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट में पड़ता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी ईयरली बेसिस पर तो यहाँ पर कम कर प्रॉफिट कमती हुई दिखाई दे रही है और ईयरली बेसिस ही मायने रखता है बट क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर गिरावट

तो गंगा पेपर यहाँ पर आपके सामने है बट गंगा पेपर से रिलेटेड और भी कुछ चीजें यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है आंख बंद करके आपको पैसा नहीं लगाना है ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी का अच्छा नहीं है कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है कंपनी का शेयर ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा हो चुका है ऑलरेडी रिटर्न सौ रुपए से कंपनी पर पर तो का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है ओके बट स्टिल यहाँ पर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे नंबर पेश नहीं कर पाई है कंपनी का ऊपर डेड ज्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस पर आपको प्ले करना है बट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है पर रिपब्लिक के पास होल्डिंग अच्छी खासी है तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हैं बट कब सोचना है जब यहाँ पर आप ये शेयर थोड़ा सा नीचे आ जाए अगर गंगा पेपर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं शेयर पहले ऑलरेडी ऊपर गया यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया अगर ये शेयर आपको थोड़ा सा गिरता है और गिर के आपको यहाँ पर मिलता है साठ साठ रुपए तिरसठ के आसपास तो यहाँ रखिएगा उस टाइम यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है ओके okay, उस उस केस में आप यहाँ पर इन शेयर को यहाँ पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और एक अच्छा खासा उस टाइम यहाँ पर आपको एक लंबा कंसोलिडेशन भी हो चुका है तो शायद उसके बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में में रखिएगा बट कल के डेट बाइंग करने की यहाँ पर बाइंग करने की मत सोचिएगा इसके अलावा बात करते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट एक और स्टॉक्स तो यहाँ पर टोटल इनकम देखे तो देखिए टोटल इनकम किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है ओके ईयरली बेसिस पर दुगनी लगभग दुगनी और क्वार्टरली बेसिस पर भी यहां पर अच्छी खासी इनकम है बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंसेस तो कंपनी के एक्सपेंसेस उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते जाएंगे तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ करेगी तो यहाँ पर देखिए तो प्रॉफिट हुआ था पीरियड तो 99 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इफ आई एम नॉट रॉ कुछ भी लाख या करोड़ भी हो सकते करोड़ ही मोस्टली और ये 169 करोड़ इससे पहले 373 देखिए कंपनी ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर बेकार परफॉर्मेंस किया जो कि ईपीएस में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का ईपीएस चौतीस पैसे हो गया इससे पहले अट्ठावन पैसे इससे पहले एक रुपए सत्तावन पैसे तो कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम है फाइव पैसा कैपिटल बट यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना देखिए मैं आपको हमेशा कंपेयर करके दिखाता हूँ कि अगर इसके नंबर बेकार आए ओके okay, तो इसका इफेक्ट एक दूसरे जो इसके पीयर्स कंपनी है उसके ऊपर भी जैसे कि एंजल ब्रोकिंग ऐसी सिक्योरिटीज बिरला मनी ऐसे इफेक्ट पड़ सकता है बट यहाँ पर कुछ चीजें आपको और देखनी पड़ेगी तब समझ में आएगी देखिए यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर अगर देखेंगे फीस एंड कमीशन इनकम तो कंपनी का फीस और इनकम एज वेल एज कमीशन इनकम से देखिए अच्छा ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छी खासी जंप हुई है ओके एज वेल एज इंटरेस्ट इनकम कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है तो कंपनी ने रेवेन्यू काफी बेहतरीन यहाँ पर पेश किया है बट यहाँ पर कंपनी मात कहा खा गई खा गई यहाँ पर कंपनी ने बेफालतू की चीजें यहाँ पर देखिए अदर एक्सपेंसेस बेफालतू के एक्सपेंसेस इनके कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो अगर दूसरी कंपनीज में एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते दूसरी कंपनी जो अच्छे तरीके से मैनेज करेगी मुझे लगता है एंजल ब्रोकिंग के अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि तो वो ये यहाँ पर दिखता है कंपनी इस तरीके की बेकार के यहाँ पर ख्याल से नहीं करेगी ओके कंपनी यहाँ पर अगर बात करें एम्प्लॉइज बेनिफिट कंपनी एम्प्लॉयज बेनिफिट बेफालतू के इतने ज्यादा बढ़ा रखे हैं बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर नहीं बढ़ाती ओके उससे यहाँ पर सबक लेना चाहिए तो यहाँ पर अगर चीजें यहाँ पर अच्छी रहेगी तो यहाँ पर शेयर प्राइस बढ़ेगा शेयर प्राइस बढ़ेगा तो लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर बात करें फाइव पैसा की ओके okay, तो यहाँ पर फाइव पैसे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चीजें आपको समझ में आएगी देखिए ये शेयर अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था आ, कुछ दिन पहले यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी रैली तीन सौ चौरासी रुपए से ये शेयर पांच चार सौ बासठ रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी इस बार क्यों क्योंकि लास्ट टाइम जब इसके एक्सपेंसेस थे यहाँ पर उन्होंने साफ लिख रखा था कि कंपनी के एक्सपेंसेस हुए जस्ट बिकॉज़ कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंडिचर में ज्यादा पैसा खर्च किया एडवर्टाइजमेंट में क्योंकि छोटी कंपनी है नई कंपनियां तो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर खर्चा हो सकता है इस वजह से एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी के बढ़ते हुए नजर आया उस टाइम यहाँ पर ओके लग रहा था बट इस बार कंपनी के एक्सपेंसिस अनबियरेबल uh, Okay, well रखे पर, पर पड़ता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बड़े -बड़े लोग भी यहाँ पर निकलते हुए नजर आ सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की जरूरत है और ये शेयर दोबारा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है मुझे तीन सौ अट्ठावन रुपए तक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है और इस शेयर को थोड़ा सा जब ये तीन सौ दो के लेवल पे आए तो उस टाइम यहाँ पर खरीदने की सोचिएगा ओके okay, क्योंकि पर जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड शेयर है जितने भी ब्रोकिंग फर्म से रिलेटेड शेयर है वो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे बट आपको अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर चुनना होगा ओके फाइव फाइव पैसा पहले हमने चुना था हमने यहाँ पर यहाँ पर के लेवल पे निकाला था उसके बाद यहाँ पर सोच रहे थे बाइंग करने की बट नहीं किया बट और अच्छा किया कि हमने यहाँ पर बाइंग नहीं करी आज अच्छे रिजल्ट पर नहीं है तो अच्छे रिजल्ट नहीं है तो हमें सीखना है कि इसका इफेक्ट दूसरे दूसरे किस तरीके से रिजल्ट आएंगे बट कंपनी का अच्छे नंबर है ओके रिवेन्यू अच्छा खासा है तो अगर दूसरी कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करेगी तो एंजल ब्रोकिंग और आईसीआईसी सिक्योरिटी जैसे शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आ सकते। तो इस की तरफ यहाँ पर को आना चाहिए ओके और तीन सौ के लेवल पे तब यहाँ पर सोचेंगे देखेंगे वीडियो बनाएंगे बट यहाँ पर अभी बाइंग करने की बिल्कुल भी चेष्टा मत करिएगा तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिनके नंबर अच्छे नहीं आए जैसे कि अगर जी एन हो गया या फिर थम्बी मॉडर्न हो गया ओके okay, यहाँ पर जीआई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर लोअर सर्किट लग सकते हैं गंगा पेपर थोड़ा सा गिर सकता है और जब गिरे तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कंपनी का नंबर ठीक ठाक है जो आपको तीन महीने में जो मुझे लगता है बीस परसेंट के रिटर्न दे देगा इसके अलावा फाइव पैसे थोड़ा सा यहाँ पर दूर रही है इस कंपनी से ओके कंपनी बेफालतू के यहाँ पर एक्सपेंसिस कर रही है और जो कंपनी ज्यादा एक्सपेंसिस कर रही है बेफालतू की और यहाँ पर कोई रीजन भी नहीं दे रखा मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ा तो कोई यहाँ पर खास रीजन भी नहीं दे रखा तो बेफालतू में ऐसी कंपनी से थोड़ा सा दूर बना, दूरी बना के रखे अच्छे खासे रिटर्न पहले दिए थे अब रिटर्न नहीं दे रही है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना जितना हो सके सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को शेयर भी करना दूसरे के साथ यह वीडियो को भी और यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस